अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर वन। और आज का हमारा लेक्चर है जिसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, एक है एवरेज एटॉमिक मास और एक डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। तो आइए हम आगाज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। स्टूडेंट, एवरेज एटॉमिक मास की जो टर्म है ये यूज होती है एलिमेंट्स के लिए। एलिमेंट्स के मास के लिए ना हम वेरियस टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, मसलन एटॉमिक मास, मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज और फ्रैक्शन एटॉमिक मास। तो आज हम एवरेज एटॉमिक मास, यानी दिस टर्म इज पर्टिकुलरली यूज फॉर एलिमेंट, ये एलिमेंट के लिए यूज। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम, दो चीजों से हम कैलकुलेट करते हैं। नंबर वन, आइसोटोपिक मास, एंड नंबर टू, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। यानी अगर आप किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास लेना चाहते हैं तो आपके पास दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक उसके कितने आइसोटोप्स हैं, हर आइसोटोप का मास क्या है। दूसरी बात, आपको हर आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस यानी नेचुरल अबंडेंस उसका भी पता होना चाहिए। मैं ये दो एग्जाम्पल से आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का, वेरी इंपॉर्टेंट। नो इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल हैज मास 20.18, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। उस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसको आप आंसर कैसे करेंगे, वो ये एग्जाम्पल। स्टूडेंट, नियॉन is an element of periodic table. और हम पीछे पढ़ के हैं कि neon has three isotopes. तीन है isotopes. Neon 1020, 1021 and neon 1022. These are three isotopes of neon. अब दो चीजें हमें चाहिए। अगर मैं neon का relative atomic average atomic mass लेना चाहता हूँ, यानी मैंने कैलकुलेट क्या करना है, मैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इसको मालूम करना चाहता हूं। दो चीजें चाहिए, नंबर वन आइसोटोपिक मास, तीन आइसोटोप है हर एक का मास। स्टूडेंट, ये जो लिखा हुआ है 20, दिस इज द आइसोटोपिक मास ऑफ दिस आइसोटोप। 21 आइसोटोपिक मास, 22 आइसोटोपिक मास, पहली बात क्लियर हो। दूसरी बात, इन तीनों आइसोटोप्स के हमें रिलेटिव अबंडेंस का पता है। और पीछे हम पढ़ के हैं, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमीट्री। तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री से आपने रिलेटिव अबंडेंस निकाल ली और रिलेटिव अबंडेंस आपके पास आ गई। फर्स्ट आइसोटोप दिस वन इज स्टेबल वन, 90.92%, दिस इज हाईली अनस्टेबल, 0.26%, दिस इज कंपेरेटिवली स्टेबल, दिस इज 8.82%। अब आपने क्या करना है, आपने इसके आइसोटोपिक मास को रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है, आई मीन 20 मल्टीप्लाई बाय 90.92 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 0.26 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 8.82 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करें, द आंसर विल बी 20.18 ए। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20.18। आप इसे ना
एवरेज एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, एवरेज भी कह लो, आप इसे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कह लो, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ न्यू। फ्रैक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आपके पास मास आया, जो वैल्यू आई, ये होल नंबर में नहीं है, ये पॉइंट्स में, इशारिये में है, लिहाजा हम इसे कहते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। एक और एग्जांपल, स्टूडेंट आपके बारे में क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास जानने जा रहा हूं, यानी मुझे चाहिए एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन Cl। क्या करूं? वही ऊपर वाली अप्रोच, क्लोरीन इज एन एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्लोरीन इज अ हैलोजन, क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स, दिस वन इज डाई आइसोटोपिक, क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737, दो आइसोटोप्स। हमें दो चीजें चाहिए, इनकी आइसोटोपिक मास और इन दोनों की रिलेटिव। आइसोटोपिक मास ये है 35, इसका आइसोटोपिक मास 37, इसका आइसोटोपिक रिलेटिव अबंडेंस चाहिए, इसकी रिलेटिव अबंडेंस 75.53%, ज्यादा स्टेबल है 75%, और इसकी रिलेटिव अबंडेंस जो आपके पास है वो है 24.47%। अब वही अप्रोच जो हमने ऊपर यूज किया, यानी इसके आइसोटोपिक मास को रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई, 35 मल्टीप्लाई बाय 75.53, देन 37 मल्टीप्लाई बाय 24.47 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट द आंसर इज 35.489। अब अपना इसको राउंड ऑफ कर लो, आपके पास ये बन जाएगा 35.58। सो द एवरेज और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.58। ये था हमारे पास आज का पहला टॉपिक जिसमें हमने एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास को स्टडी किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा दूसरा टॉपिक है डिटरमिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। स्टूडेंट पहले हम ये जानना चाहते हैं ये परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है। एक्चुअली परसेंटेज कंपोजिशन होती है किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स है ना, हर एलिमेंट की परसेंटेज को मालूम करना। जैसे कि ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जब मैं कहता हूँ ना कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, तो मेरा इससे मुराद है कि आप परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करें। बेंजीन कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन। जब हम कहते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बेंजीन, इट मींस कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड मीन कि उस कंपाउंड में जो जो भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट की परसेंटेज को फाइंड आउट करना। तो डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, इसकी डेफिनेशन ये होगी, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड द परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन को एक और नाम भी हमारी बुक में दिया है कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये हमारी बुक। स्टूडेंट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इसको कैसे मालूम करते हैं, मैं दो तरह से आपको समझाऊंगा। फर्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटली एंड द सेकंड वन इज थ्योरेटिकली। तो लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंटली। वेरियस एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड टू डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन।
हमारे पास एलिमेंटल एनालिसिस है, कंबस्शन एनालिसिस, डूमास मेथड, जेल्डाल्स मेथड, देयर आर वेरियस मेथड टू डिटरमिन परसेंटेज कंपोजिशन एक्सपेरिमेंटली। कंबस्शन एनालिसिस हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली परसेंटेज कंपोजिशन, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको आपने फॉलो करना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो मास ऑफ कंपाउंड, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, कंबस्शन एनालिसिस हम देंगे, हम कहेंगे कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका हमने इतना मास लिया, फिर उसे हम कैलकुलेट करेंगे कि जो उसमें एलिमेंट है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसका कितना कितना मास जो है ना वो हमारे पास हासिल। फिर इस फार्मूला की मदद से हम वो एलिमेंट जो उस कंपाउंड में मौजूद है हर एक की वन बाय वन परसेंटेज को मालूम करें। एक्सरसाइज की एक एग्जांपल है, जरा उसको स्टडी करें। एग्जांपल में हमारी जो हमारे पास जो स्टेटमेंट है जरा उसको देखें। 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड वर डीकंपोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट एंड गेव 5.217 ग्राम कार्बन, 0.962 ग्राम हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑक्सीजन। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड अंडर स्टडी। स्टूडेंट, ये जो आपने स्टेटमेंट देखी, इस स्टेटमेंट में हमारे पास चार चीजें हैं। मास ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम, जब उसकी हमने डीकंपोजिशन करवाई उसमें तीन एलिमेंट थे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि उसमें जो मास ऑफ कार्बन हासिल हुआ 5.217, मास ऑफ हाइड्रोजन 0.962 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन 2.478 ग्राम। अब आप ये जो आपके पास डाटा आया इसको आप इस फॉर्मूला में पुट करें और आप एक एक एलिमेंट की परसेंटेज निकाल दें। आगाज करते हैं कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए मुझे दो चीजें चाहिए। मुझे चाहिए नंबर वन पे मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड दैट इज 5.217 ग्राम, और मुझे चाहिए मास ऑफ कंपाउंड वो गिवन है 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। स्टूडेंट, जब आप इसे सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 60.26%। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन। सिमिलरली अगर आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जानना चाहते हैं तो मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 0.962 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड वही 8.657 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर द आंसर विल बी 11.11%। सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन पे आ जाए। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए आप क्या करेंगे 2.478 डिवाइडेड बाय 8.657 एंड मल्टीप्लाई विद बाय 100 द आंसर विल बी 28.62%। तो इस तरह आपने इस फॉर्मूला की मदद से तीनों एलिमेंट की परसेंटेज निकाली। एक और चीज भी आप अगर आंसर को वेरीफाई करना चाहते हैं ना तो स्टूडेंट इन तीनों परसेंटेज को ऐड अप करें। जब आप ऐड अप करेंगे ना तो आंसर 100 आना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर आंसर 100 आता है तो इट मींस कि वो जो कंपाउंड है गिवन कंपाउंड उसमें तीन ही एलिमेंट्स हैं, और अगर आप इसको ऐड भी करेंगे तो आंसर 99.99% यानी वेरी मच इक्वल टू। दूसरी बात, अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड उसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वी हैव अ फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट
इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय। अगर आप एक्सरसाइज में जाएं, एक्सरसाइज क्वेश्चन 14, इसमें आपने पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को सॉल्व करना इस फॉर्मूले। अब मैं आपकी कुछ हेल्प करता हूं। जो पार्ट ए है ना, पार्ट ए में आपके पास 4 नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स है, अमोनिया है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, ये 4 नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। इन चारों के अंदर आपने 1 by 1 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड आउट करना। मैं आपको एक नाम करूं, यानी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया, ये क्वेश्चन आपका। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो यानी मैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लेना चाहता हूं, तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए, मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया एंड सेकंड वन इज मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मोलर मास ऑफ अमोनिया, और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई। ये दो चीजें आप खुद कैलकुलेट करें। स्टूडेंट, आपके पास ये अमोनिया है NH3, नाइट्रोजन, यू नो द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 प्लस 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम रफली 1 लेते हैं, तो एक का 1 है और ये 3 आपके पास है, इसको एड अप करेंगे तो आपके पास 17। इसका मतलब है कि आपके पास अमोनिया में नाइट्रोजन का मास है 14 और अमोनिया का मोलर मास क्या होगा 17, यानी मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया 17 AMU जो भी है, और सिमिलरली मोलर मास ऑफ अमोनिया दैट इज इक्वल टू 17 ग्राम पर मोल। ये जो मोलर मास है इसका यूनिट है ग्राम, सॉरी ये हो गया 14, मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया 14 एंड मास ऑफ अमोनिया मोलर मास ऑफ अमोनिया 17। वैल्यूज पुट करें तो यू विल फाइंड मास ऑफ नाइट्रोजन 14 मोलर मास ऑफ अमोनिया 17 मल्टीप्लाई बाय 100। द आंसर इज 82.35, ये परसेंटेज है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं अमोनिया में हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है, तो बेटा जी अमोनिया में दो ही एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन है एक हाइड्रोजन, और दोनों के परसेंटेज का सम 100 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप हाइड्रोजन की परसेंटेज लेना चाहते हैं ना, तो आप इस अमोनिया की परसेंटेज इस नाइट्रोजन की परसेंटेज 100 में से नाइट्रोजन की परसेंटेज माइनस कर दें, यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ मैंने आपको अमोनिया इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज बता दी कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने यूरिया में, अमोनियम सल्फेट में, अमोनियम नाइट्रेट में आपने खुद नाइट्रोजन की परसेंटेज ले ली। और क्वेश्चन नंबर 14 इसका जो बी पार्ट है, इसमें आपको ना 3 ऐसे कंपाउंड्स दिए जाएंगे जो नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो आपने उन तीनों कंपाउंड्स में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बारी बारी परसेंटेज मालूम कर। आज के हमारे लेक्चर में स्टूडेंट हमने दो बातों का अहाता किया, एक हमने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा और दूसरा हमने परसेंटेज कंपोजिशन को मालूम। परसेंटेज कंपोजिशन को दो तरह से, एक आपने एक्सपेरिमेंटली और दूसरा आपने। उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर से बहुत कुछ लर्न किया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।